दो दिनों से लगातार उत्तर भारत में गर्मी और उमस ने आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। वहीं कई इलाकों में गर्मी की वजह से कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री के पार चला गया है। इन राज्यों में दिन भर लू चल रही है। इलाहाबाद में पारा 48.5 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि बांदा में 48, बठिंडा में 48, फिरोजपुर अमृतसर में 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम के इस गर्म रुख को देखते हुए कई जगह रेड अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को 11 से 4 के बीच घर से न निकलने के निर्देश दिए गए हैं। जहां एक ओर गर्मी से इंसान बेहाल है, तो वहीं दूसरी ओर जानवरों के लिए भी गर्मी बेकाबू हो गई है। ऐसा एक हादसा रविवार को जयपुर में देखने को मिला, जहां गर्मी से बेहाल घोड़ा कार का शीशा तोड़ अंदर जा घुसा। इस घटना में कार चालक को चोटें आई हैं। घटना उस समय की है जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को एक तरफ बांध कर रखा था, लेकिन गर्मी से बेकाबू होकर घोड़े ने रस्सी तोड़ दी और हादसे को अंजाम दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक सवेरा टीवी।